हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो अब छात्र जो है कमेंट करने लगे कि सर अभी तक की जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। तो आप सभी को बता दें साथियों कि लिंक आज ही एक्टिवेट होगा, क्योंकि कल से लेकर 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक इन 3 दिनों में जो है फॉर्म में करेक्शन करने का डेट दिया गया है। तो मतलब इन 3 दिन फॉर्म में करेक्शन होगा। तो आपको क्या करना है, 5 बजे तक इंतजार करना है, 5 से 6 बजे तक जो है और लिंक ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, आप अपने सीट देख पाएंगे किस ITI में किस ट्रेड में कितनी सीट खाली है। तो प्लीज़ आपको क्या करना है, सारे लिस्ट देख देख लेना है। उसमें सारे लिस्ट जिसमें ज़्यादा ट्रेड है सबका एक सूची बना लेना। फिर जब फॉर्म में करेक्शन होने लगे 20 तारीख से, तो आपको क्या करना है, उसी प्रकार फॉर्म में करेक्शन करते जाना है। तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा ताकि आपका एडमिशन हो जाए, कम परसेंटेज है फिर भी। तो साथियों आप सभी को बता दें, चैनल जो है ITI के द्वारा चला जाता है, जिसमें जो भी जानकारी आपको दी जाएगी सारी जानकारी सही और सटीक रूप से दी जाएगी। कोई भी डाउट के लिए व्हाट्सएप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है। यूट्यूब पर आप कमेंट मत करिए, क्योंकि वहाँ पर मैं सारे ज़्यादातर छात्रों के जवाब नहीं दे पाता। तो यहाँ पे आप आना है। उसके बाद आप सभी को दिखा दें नोटिस, मैंने कल ही आप सभी को दिखा रखे थे। तो कुछ इस प्रकार से साथियों आप सभी को क्या करना है, ऐसे देखना है। जब ऐसे दिखेगी तो किस ट्रेड में कितनी सीट खाली, इस प्रकार से आपको सारे जिसमें ज़्यादा सीट खाली उसकी एक लिस्ट बना लेनी है आपको। तो उसके बाद आपको इसी प्रकार से जब फॉर्म में करेक्शन करना है तो वही वही ट्रेड आपको क्या करना है, डालना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पे दिया है कि 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जो है आप सभी को फॉर्म में करेक्शन करना है। तो ये तो फिक्स है कि 20 तारीख से 22 तारीख से फॉर्म में करेक्शन करना है। या साथियों नोटिस है जो कि हमारे ITI में आया है, तो ये गलत नहीं है। ये जो है आज दिया गया था लिंक जारी करने के लिए वैकेंट सीट के लिए, तो वो भी अभी शाम तक जारी हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तुरंत आपको नया अपडेट मिलता रहे। साथियों धन्यवाद।